डाल। गाइड करने लायक थी नहीं थी जिंदा है। अरे जो वैसे रह रहा है तो अभी आधी हुई है, मैं बता दूँ कॉल कर रहा हूँ, अभी नहीं कॉल कर रहा हूँ। वो दोनों आदमी बैठ गए, आदमी बैठ गए ना, हो गया सर, हो गया। हम वो भैया एक चीज और पूछा, इसी का सारा है ना। ठीक से रखो, नहीं दरवाजा नहीं बंद बोलिएगा। बस हो गए कोतवाली राजेंद्र जो बता रहा जंगल वाला, वहाँ भी चौकी जाए भी दिखता है। भैया पीछे आ जाओ, पीछे क्या दे रहा हूँ भाई, फायदा इफेक्ट था सर जितने निकलने। क्योंकि जनपद बांदा में ऑपरेशन क्लीन अपराधियों के सफाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है, तो इसी अभियान के क्रम में जो संभावित स्थान है जहां पर वो रहते हैं, जहां पर सूचना मिलती है कि वो हैं, उन पर हम लोग दबिश देते हैं और आगे की आवश्यक कार्रवाई करते हैं। इसी क्रम में हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ पर इस कॉलोनी में कुछ लोग, जो काशीराम कॉलोनी में कुछ लोग हैं, इस तरह के इलीगल और क्रिमिनल टाइप के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो उसी सूचना पर हम सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आए हैं, फोर्स को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे चेकिंग की है और कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है और कुछ मात्रा में मादक पदार्थ भी मिले हैं हम लोगों को। उस चीज़ को कैलकुलेट किया जा रहा है कि वो कितना है, कहाँ से आया और फाइनली वो कहाँ कंज्यूम होगा, और इस तरह से एक प्रभाव हम लोग डालने का प्रयास कर रहे हैं कि जो गलत तरह के व्यक्ति हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, वो यहाँ न रहें, और यदि हैं तो उनके खिलाफ हम लोग प्रभावी कार्रवाई करें। सर कितने लोगों को पूछताछ के लिए लेके गए हैं कोतवाली? ये 4-5 लोग हैं ऐसे और जिनको हम लोगों ने उठाया है पूछताछ के लिए, और उनसे हम सभी लोग बात करेंगे, पूछताछ करेंगे और आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई हम लोग करेंगे।